डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास टू का इंग्लिश बुक है, चैप्टर टू, और इसमें दिया हुआ है माय इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर का नाम है। तो कई बार बच्चों को अपने इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बोलने के लिए कहा जाता है और बच्चे नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए ये एक चैप्टर के रूप में दे दिया गया है। और यहाँ पर जैसे कि एक बच्चे को लेकर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बच्चे क्या क्या बतलाता है अपने बारे में, इस तरह से इसको पढ़कर आप भी अपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कहीं भी दे सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर देखते हैं। आई एम अभिषेक, मैं अभिषेक हूँ, ये बच्चा जो है अपने बारे में बतला रहा है। माई फुल नेम इज़ अभिषेक कुमार, और मेरा पूरा नाम अभिषेक कुमार है। आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, मैं 7 साल का हूँ। आई एम ए चाइल्ड, और मैं एक बच्चा हूँ। माई फादर्स नेम इज़ श्री रविश कुमार, मेरे पिता का नाम श्रीमान रविश कुमार है। ही इज़ ए टीचर, वे एक शिक्षक हैं। ही इज़ ए टीचर इन ए सेकेंडरी स्कूल, वे एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। ही टीचेज मैथमेटिक्स, वे मैथमेटिक्स गणित पढ़ाते हैं। माई फादर इज़ ए गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, और मेरे पिताजी मैथमेटिक्स का मतलब गणित का बहुत अच्छे शिक्षक हैं। ही टीचेज मी एट होम, वे मुझे घर में पढ़ाते हैं। आई लाइक हिज टीचिंग वेरी मच एज आई अंडरस्टैंड द सम्स वेरी इजली व्हेन ही टीचेज, उनकी पढ़ाई मुझे बहुत ही पसंद लगती है, अच्छी लगती है, और उनके द्वारा सिखाए गए सम्स जो हिसाब होते हैं वो मैं आसानी से समझ जाता हूँ। He also teaches English very well, और वे English भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आगे मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के बारे में बतला रहा है। My mother's name is रीता देवी, मेरी माँ का नाम रीता देवी है। She is a housewife, वह एक गृहिणी है जो घर में लेडीज काम करती है, घर में रहती है, घर की देखभाल करती है, उसको housewife बोला जाता है। She is a graduate in हिंदी, उन्होंने हिंदी में ग्रेजुएशन मतलब स्नातक ग्रेजुएशन किया हुआ है। हर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, उनका हैंड राइटिंग लिखावट बहुत ही सुंदर है। आई फील माई हैंड राइटिंग टू इज गुड, इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि मेरा भी हैंड राइटिंग अच्छा है। इट इज ड्यू टू माई मदर, यह मेरी माँ के वजह से है। माई मदर इज माई इंस्पायरेशन इन दिस रिगार्ड, मेरी माँ इसके लिए प्रेरणादायी है। हर नेचर इज वेरी फाइन, उनका स्वभाव बहुत ही सुंदर है। सी इज वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है। सी नेवर बिकम्स एंग्री, वह कभी भी गुस्सा नहीं करती है। सी लव्स मी मच, वह मुझे बहुत प्यार करती है। आई हैव वन यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। हर नेम इज परिणीता, और उसका नाम परिणीता है। सी इज 4 ईयर्स ओल्ड, वह 4 साल की है। सी हैज जस्ट स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, वह अभी तुरंत ही स्कूल जाना शुरू की है। सी गोज टू स्कूल विथ मी बाय स्कूल कन्वीनियंस, वह मेरे साथ स्कूल जाती है स्कूल के दिए हुए वाहन से, वहाँ से जो सुविधा मिला है उससे। यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्कूल देख रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, बच्चों का ये स्कूल है। और यहाँ लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, आई रीड इन सरस्वती शिशु मंदिर, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास टू, मैं क्लास टू में पढ़ता हूँ। आई रीड इन दिस स्कूल फ्रॉम क्लास अरुण, मतलब नर्सरी, मैं इस स्कूल में नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ। I like my school very much, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। My school campus is big and lovely, मेरा स्कूल कैंपस जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्यारा है। There are about 600 students in my school, मेरे विद्यालय में लगभग 600 students विद्यार्थी हैं। All the students are very disciplined, और सभी विद्यार्थी अनुशासित हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। Teachers are very good, शिक्षक बहुत अच्छे हैं। दे टीचेज विथ लव एंड अफेक्शन, वे हमें स्नेहपूर्वक पढ़ाते हैं। माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर वेरी जेंटल, मेरे दादाजी और दादी जी बहुत ही नेक हैं, हार्डवर्किंग एंड डिसिप्लिन लविंग, और वे बहुत ही मेहनती और अनुशासन प्रिय हैं, मतलब उन्हें मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है और अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, जो इस चैप्टर में कुछ नए शब्द आए हुए हैं और इसका शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर एक बार कम से कम जरूर याद कर लें। और इसके आगे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मैक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसको प्लूरल बनाना है, तो इसमें एस लगकर प्लूरल बनता है। एस या ई एस या और भी नियम होते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ईयर्स, इसमें एस लग जाएगा, इसमें भी एस लगेगा, इसमें भी एस लगेगा, इसमें भी एस लग जाएगा, और स्टूडेंट्स इसमें एस लगेगा, और चाइल्ड का चिल्ड्रेन, सिर्फ इसमें डिफरेंट है। तो मैं स्क्रीन में आपको इसका आंसर दे दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट द स्पेलिंग
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखा हुआ है वो सारे गलत हैं, उसका स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। सेकेंडरी, ईजली, तो इन सब का क्या सही स्पेलिंग होगा उसका स्पेलिंग मैं आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैच करने के लिए कहा गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैच किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से मैच कर देता हूँ। यहाँ पे ए नंबर में द टीचर, तो टीचर क्या होगा, टीचर यहाँ पे टीचेज, टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ए का 3 में लगा लेंगे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रीड मतलब पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा। और माई फादर इज, तो उस बच्चे का जो फादर है अभिषेक का, तो वो क्या है, ए टीचर, उसका पापा जो है एक टीचर है, तो यहाँ पे मिला देते हैं। माई मदर इज, तो उसकी मम्मी क्या है, उसकी मम्मी ए हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे मिलाते हैं इसको। इन नंबर में माई मदर, फिर माई मदर है, तो माई मदर लव्स मी मच, यहाँ पे ये चला जाएगा इन नंबर का 4 नंबर में। और टीचर्स टीच, तो लास्ट बचा हुआ है ये इसके साथ मिलेगा एफ का 5 नंबर के साथ। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अभिषेक, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो ये शॉर्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, अभिषेक कुमार, इसको लिखने से भी चल सकता है, लेकिन अब फुल जो है फुल सेंटेंस में इसका आंसर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अभिषेक, द फुल नेम ऑफ अभिषेक इज अभिषेक कुमार, इस तरह से हो जाएगा। तो आंसर जो है आपको स्क्रीन पे मिलते जाएगा। हाउ ओल्ड इज अभिषेक, अभिषेक कितने साल का था, अभिषेक इज 7 ईयर्स ओल्ड। व्हाट इज हिज फादर्स नेम, उसके पिता का नाम क्या था, इसको आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, श्री रवीश कुमार, ये ठीक है, श्री रवीश कुमार। व्हाट डज हिज फादर डू, उसके पिता क्या करते थे, तो हिज फादर इज ए टीचर, इस तरह से देना है, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, पढ़ाते थे। हु इज अभिषेक्स मदर, और अभिषेक की मम्मी कौन है, तो उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे ये ठीक दिया हुआ है, श्रीमती रीता देवी। व्हाट डज हिज मदर डू, उसकी मम्मी क्या करती थी, तो हिज मदर इज ए हाउसवाइफ, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु इज परिणीता, परिणीता कौन थी, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस में आंसर दिया हुआ है, तो इसी को आपको स्क्रीन पे हो सकता है ना दिखे, तो मैं स्क्रीन पे आपको आंसर दूंगा। परिणीता इज अभिषेक अंगर सिस्टर, परिणीता अभिषेक की छोटी बहन थी। व्हाई इज अभिषेक राइटिंग गुड, अभिषेक का राइटिंग अच्छा क्यों था, तो अभिषेक राइटिंग इज गुड ड्यू टू हिज मदर, उसकी माँ का राइटिंग अच्छा था, इसीलिए उसका भी राइटिंग अच्छा था। वेयर डज अभिषेक रीड, अभिषेक कहाँ पढ़ता है, अभिषेक रीड सरस्वती शिशु मंदिर। और वेयर डज परिणीता रीड, तो उसकी बहन जो है वो भी वहीं पढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिणीता आल्सो रीड्स सरस्वती शिशु मंदिर। हाउ आर अभिषेक्स ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, अभिषेक के दादा दादी कैसे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर वेरी जेंटल हार्डवर्किंग एंड डिसिप्लिन लविंग। और 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के 5 स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो इसको आप खुद लिख लेंगे, सभी के क्लास में डिफरेंट नाम का स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।